हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी ब्रीथ, यानी रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा है। रेस्पिरेशन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, और कब कब सांस लेते हैं। आप खुद सोचिए कि हम कब कब सांस लेते हैं। ऐसा कोई मोमेंट है ही नहीं कि जिस टाइम हम सांस ना लेते हों। क्यों? क्योंकि अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे या हमारी सांस रुक जाएगी क्या होगा, हम यहाँ मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं पूरे चैप्टर में देखेंगे, और कब हम ज्यादा सांस लेते हैं, कब कम सांस लेते हैं, कब कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्लियर है। क्या क्या टेक केयर्स हैं अपने लंग्स को सेफ रखने के लिए, ये सब आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एंड तक आप पूरे सेशन को देखेंगे। सेशन को देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना, और वो भी कैसी, ऑक्सीजन रिच एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना, है ना। सबको पता है ना ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन। एक ऑर्गेन हमारी बॉडी के अंदर होता है अलग से, जो केवल रेस्पिरेशन का काम करता है ना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं और हर एक ऑर्गेन अपना एक सेपरेट काम करता है। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गेन हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स हैं जो अपना अपना सेपरेट काम करते हैं। कोई भी किसी के वर्क को नहीं कर सकता। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तब जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट होती है 4%। यानी अब आप देखो कि जब आप ऑक्सीजन लोगे तब आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लोगे, यानी जब आप इनहेलेशन ऑक्सीजन का करते हो तब कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ परसेंट आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो, क्या जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, 4.04% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो। और इसके साथ साथ 60 point something O2 भी एक्सहेल करते हो, ठीक है। यानी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करोगे, निकालोगे अपनी बॉडी के साथ, तो साथ साथ कुछ परसेंट ऑक्सीजन भी जाएगा। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे तो कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल होगा, समझ गए इतनी बात को। इट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस व्हिच गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स की होल लाइफ ये प्रोसेस होती रहती है। ये प्रोसेस रुकी तो आप समझो कि आप गए। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। यानी एक मिनट में कोई भी आदमी जितनी ब्रीथ करता है, जितनी सांस लेता है, वो उसकी ब्रीदिंग रेट हो जाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली। यानी ये जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का जो प्रोसेस है ये ऑल्टरनेटली चलता है। एक बार आप देखो सांस लेके देखो, एक बार लोगे फिर एक बार छोड़ोगे फिर एक बार लोगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि दो बार ले ली एक बार छोड़ दी, या दो बार छोड़ दी एक बार ले ली, नहीं ना। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ये ऑल्टरनेटली चलती रहती है। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। यानी ब्रीथ का मतलब क्या है, ब्रीथ का मतलब है एक बार सांस निकालना और एक बार सांस को लेना। जब ये एक प्रोसेस पूरा होता है तब हमारी एक ब्रीथ कंप्लीट होती है। ऐसे नहीं कि आप केवल निकालने निकालने को काउंट कर रहे हो या केवल लेने लेने को काउंट कर रहे हो, तो वो आपका ब्रीथिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। जब किसी भी पर्सन को किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए होती है तब एक्स्ट्रा ब्रीथ भी चाहिए होता है। यानी वो उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होने लगती है। आप रनिंग करते हो, आप कोई हैवी वर्क करते हो, कोई हैवी लोड उठाते हो, तो क्या होता है आपकी ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको काम करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। और जब आप ब्रीदिंग तेज तेज करने लगोगे तो क्या होगा, आपकी
बॉडी में ऑक्सीजन सेल्स में ज्यादा सप्लाई होने लगेगी, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये क्या करती है, ये किस चीज में हेल्प करती है, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रेट में आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो वहां पर जाके जो एनर्जी रिलीज होगी यानी फूड से जो एनर्जी बनती है वो बहुत स्पीड में बनने लगेगी, और जब बहुत स्पीड में बनने लगेगी तो वो उतनी जल्दी रिलीज भी होगी। भाई बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है उतना ही तो काम करोगे, और बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो आपको देखा होगा आपको आलस आने लगता है, आपको काम करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी लेने के लिए फूड आपको लेना पड़ेगा टाइम से, जब आप फूड लोगे तो वो एनर्जी में चेंज होगा और वो आपकी बॉडी में रिलीज होगा, और तब आप काम करने के लिए एकदम रेडी रहोगे किसी भी टाइम। इसीलिए नो डाइट, नो खाना कम तो लेते हो, प्रॉपर फूड लो, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। अगर प्रॉपर फूड लेते रहोगे, टाइम से लेते रहोगे, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या आपने कभी ये फील किया है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप जिम जाकर आते हो, आप साइकिलिंग करके आते हो, आप रनिंग करके आते हो, आप खेल कर आते हो, तो आपको भूख लगती है। ये इसीलिए होता है कि जब हम कोई भी हैवी एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जब हम करते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, और जो हमने फूड लिया होता है यानी फूड हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे स्टमक में है, वो जल्दी से जल्दी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी में चेंज होता है, वो एनर्जी हमारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाती है जहां भी उसको नीड होती है, और इसीलिए फिर रात में हमको भूख लगने लगती है, ठीक है। यहाँ देखो कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 टू 80 टाइम्स इन अ मिनट। यानी कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति जो नॉर्मल काम करता है वो 15 से 18 बार एक मिनट में सांस को लेता है, मतलब एक बार छोड़ना और एक बार लेना क्या होगा, एक ब्रीदिंग है ना। तो ऐसा वो कितनी बार करता है, 15 टू 18 टाइम्स करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीजेस अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। यानी जब आप हैवी एक्सरसाइज करोगे, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग करोगे स्पीड में, तब आपकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो 25 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी ना। व्हाइल एक्सरसाइज नॉट ओनली डू ब्रीद फास्ट, यू आल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। एक्सरसाइज करते टाइम हमको ये बोला जाता है कि फास्ट फास्ट ब्रीद को नहीं करना है, तेज सांस नहीं लेनी, आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, तब उससे क्या होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर पाओगे एक ही बार में, ठीक है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। अब तो आप बता सकते हो ना कि कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्ट हो जाती है, कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है। भाई जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग करेंगे, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। जब हम नॉर्मल वॉकिंग करेंगे, नॉर्मल अपना कोई वर्क करेंगे, तो जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है वो नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है। ये बहुत सारे देखो वर्क दिए हुए हैं, मम्मी यहाँ कपड़े धो रही है, बच्चा सो रहा है, यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये रनिंग कर रही है और ये वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक्टिविटी में आपकी ब्रीदिंग होती है आपके वर्क के हिसाब से, क्लियर। चलो हाउ डू वी ब्रीद, हम ब्रीद करते कैसे हैं, कहाँ से हम सांस लेते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, क्या तरीका है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब हमारी जो नोज है, नोज के बीच में आपने देखा होगा दोनों साइड दो होल होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो नॉस्ट्रिल से होकर जो एयर है वो हमारे नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स। और नेसल कैविटी से कहाँ जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है। कहाँ जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है, थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप के थ्रू होती हुई, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। लंग्स सबको पता है, लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी में, हार्ट के नीचे थोड़ा सा। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय अ रिब्स ऑन द साइड। और ये जो कैविटी है ये दोनों तरफ से रिब्स, चैप्टर पढ़ाया है मैंने क्लास, है ना, एक बार देख लेना उस चैप्टर को, मैंने पूरी बोन्स बहुत अच्छे से क्लियर की है, एक एक चीज बताई है मैंने आपको। चैप्टर देखना है प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को देख लेना। तो रिब्स से कवर रहता है क्या, हमारा लीवर, हमारा लंग्स,
और हमारा हार्ट, ये तीनों चीजें हमारी किससे कवर्ड रहती हैं, इनको रिब्स प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो हमारा डायफ्राम है ना, मस्कुलर शीट का बना हुआ होता है, जो हमारा डायफ्राम है एक मस्कुलर शीट का बना हुआ होता है, वो क्या कहता है, वो हमारी चेस्ट कैविटी के फ्लोर को बना देता है, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, यानी ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज दोनों। जब आप सांस लोगे, इनहेल करोगे, तो आपकी रिब केज और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जब आप आउटहेल करोगे तो आपका रिब केज और डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। सांस लेकर देखो, एक बार लेकर देखो सांस, आपको समझ में आएगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ फूलता है और बाहर की तरफ निकल कर आता है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम कहाँ जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इन टू द लंग्स, और यही जो आपकी मूवमेंट है, ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी में स्पेस बनाता है एयर के लिए, है ना, जो कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर लंग्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लंग्स में एयर पहुंचेगी तो लंग्स फूलेंगे, और लंग्स फूलेंगे तो उनको स्पेस चाहिए, और स्पेस कब मिलेगा, जब आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, है ना। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, अब लंग्स में हवा भर गई। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, जब हम सांस को छोड़ते हैं क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ चला जाता है टू इट फॉर्मर पोजीशन, यानी अपनी पहले वाली पोजीशन पर। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, यानी ये जो आपकी ये जो मूवमेंट है अपनी चेस्ट कैविटी को अंदर लेने वाला, ये क्या करता है, साइज को कम कर देता है, जगह को कम कर देता है, तो ये फिर प्रेशर डालती है चेस्ट कैविटी लंग्स पर, लंग्स क्या करते हैं, सांस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो मूवमेंट्स है हमारी बॉडी में, हमें ब्रीथ करने में बहुत इजी कर देते हैं ना। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, ये मैंने ब्लैक से इसीलिए लिखा हुआ है कि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग करना हमारे लंग्स को डैमेज करना है, जब आप स्मोकिंग करोगे तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जब लंग्स खत्म हो जाएंगे तो ब्रीथ इन और आउट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, यानी स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर भी हो जाता है, इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसीलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर अपने आसपास भी किसी को देखते हो आप स्मोकिंग करते हुए, तो उसको भी मना करो, समझाओ उसको, मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हो जाने, है ना। चलो आगे देखो, ये मैंने पूरा का पूरा आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये पिक्चर लिया हुआ है, देखो यहाँ ये आपके नोस्ट्रिल हैं, नोस्ट्रिल से होके ये नेसल पासेज हैं, ना यहाँ से होके ये क्या है आपके, ये विंड पाइप, ठीक है, ये विंड पाइप फैरिंग से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए ये यहाँ ट्रेकिया में पहुँच जाती है, और ट्रेकिया में से होकर ये आपके दोनों लंग्स में पहुँच जाती है। ये क्या है, ये रिबकेज दिखा रखा है, क्या है ये रिबकेज दिखा रखा है, ठीक है। अंदर वाला लंग्स है, ये आपके लंग्स हैं, जब एयर लंग्स में जाएगी तो क्या होगा, लंग्स फूल जाएंगे, और ये क्या है आपका, ये यहाँ तक आपका है ये डायफ्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना पिक्चर एकदम क्लियर क्लियर। चलिए आगे देखो, अब मैंने एक पिक्चर नीचे लिया है जिसमें आपको ऑक्सीजन को इनहेल और आउटहेल करते हुए आपके डायफ्राम का शेप, आपके रिब्स का शेप बताया हुआ है, देखो उसे ध्यान से करो। Us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, एयर के साथ साथ एयर में बहुत सारे अनवॉन्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारी नाक में पहुंच जाते हैं, है ना। When we inhale, the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity. सबकी नेसल कैविटी में अगर हेयर्स होते हैं, और जो गंदगी निकलती है, यानी जितने भी बैक्टीरिया होगा, कोई अनवांटेड पार्टिकल होगा, वो कहाँ रह जाएगा, वो उन्हीं हेयर्स में चिपक कर रह जाता है और एयर अंदर चली जाती है। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स मे गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये अंदर पहुंच जाए नेसल कैविटी में, है ना, हेयर को पार करके।
दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, तब क्या होता है हमारी नाक में खुजली होने लगती है ना, जब ऐसा हो जाता है तो खुजली होती है ना कि मम्मी नाक में कुछ चला गया, बहुत तेज खुजली हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो यहाँ हेयर्स को पास करके ऊपर पहुंच गया, हमारे नेसल कैविटी में पहुंच गया अंदर से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और हमको फिर छींक आने लगती है, बहुत छींकने लगते हैं, जब तक वो चीज निकल नहीं जाती तब तक छींकें आती रहती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्रीम, और ये स्नीजिंग क्या करती है, स्नीजिंग उस पार्टिकल को अपनी नोज से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी, और फिर क्लीन एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। अब आपको देखो टेक केयर क्या करना है, मतलब क्या ध्यान रखना है, जब आप छींको तब आपके मुंह पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी किसी के भी सामने स्नीज करना बहुत बैड हैबिट है, कभी भी किसी के सामने स्नीज मत करो, छींको मत किसी के सामने, अगर आपको आ रही है तो आप अपना फेस दूसरी साइड घुमाओ, अपने मुंह पर हैंकी रखो, और तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो क्या होगा, वो दूसरे बंदे के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना, और उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको डायफ्राम दिख रहा है, देखो ये फूल गए, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, जब रिब्स केज फूल गए तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, और जब रिब केज पिचक गए तो डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहीं पर ये डायफ्राम का प्रैक्टिकल किया हुआ है, यानी कैसे हमने बॉटल में लंग्स बनाए हैं और लंग्स से हमने कैसे वर्क किया है प्रॉपर वो दिखाया है। एक व्हाइट प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, एक व्हाइट प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका बॉटम को हटा देना है, काट देना है, गेट अ वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई शेप की एक ग्लास रॉड लेनी है, या प्लास्टिक की ट्यूब अगर आप बना सकते हो तो प्लास्टिक की ट्यूब बना लो, मेक अ होल इन द लिड सो दैट ट्यूब मे पास थ्रू इट, और एक होल यहाँ पर करेंगे जिससे ये ट्यूब ऐसे करके फंस जाए अंदर, ठीक है, टू द पोर्ट एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बलून्स, अब इसमें हमने दो बलून्स यहाँ पर बांध दिए हल्के फूले हुए, नाउ कैप द बॉटल, बॉटल को कैप से बंद कर दिया, सील इट टू मेक इट राइट, मेक इट एयर टाइट, मतलब ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल एयर टाइट बंद करना है। द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, जो आपने नीचे से बॉटम हटाया था वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको एक बैलून फिट कर देना है बिल्कुल एयर टाइट करके, उसको फिक्स करके थ्रेड से किसी भी चीज से वो निकले ना, बस ऐसे उसको टाइट कर देना है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून, आप क्या करोगे, इसको बैलून को आप नीचे की तरफ खींचोगे और तब इन बलून्स को देखोगे क्या होगा, ये वाले जो बलून्स है ना ये धीरे धीरे करके बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये बलून्स धीरे धीरे करके बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, कब, जब आप इसको नीचे की तरफ खींचोगे, ठीक है। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स, अब क्या करना है, अब इसको आपको ऊपर की तरफ करना है ऐसे, अब क्या होगा, ये बलून्स आपके पिचक जाएंगे, ठीक है, डायफ्राम जब ऊपर की तरफ गया तो लंग्स में से हवा निकल गई, डायफ्राम जब नीचे की तरफ आया तो लंग्स में हवा फिल हो गई, एयर लंग्स में फिल हो गई, ठीक है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स, व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रबर शीट आपके डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बलून्स है वो आपके लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप उसे नीचे की तरफ खींचते हो डायफ्राम को क्या होता है, बलून्स फूल जाते हैं, ठीक है, चेस्ट कैविटी फूल जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, जब आप बलून को अंदर की तरफ प्रेस करते हो यानी बॉटल की तरफ जब प्रेस करते हो तो क्या होता है, बलून्स पिचक जाते हैं, डायफ्राम पिचक जाता है और जो चेस्ट कैविटी होती है वो भी पिचक जाती है, लंग और ऊपर की तरफ चली जाती है और जो आपके लंग्स हैं वो भी आपको निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कल मिलते हैं अब नई चैप्टर इसी के थर्ड पार्ट के साथ, है ना, आज का पार्ट कैसा लगा एक बार बताएंगे, और फिर मैंने यहाँ पर आपको लोगो दिया हुआ है, ये क्लास का लोगो है, आप यहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, और एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ आपको मैथ्स की वीडियो मिलेगी, एक हेल्पिंग वीडियो मिलेगी, हेल्पिंग वीडियो भी मिलेगी मैथ्स की पूरी है ना, मैथ्स की क्लास 5 है, क्लास 6, 7 और 8,
चारों क्लासेस की मिलेंगी, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियोस आपको कैसी लगी। चलो फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।